नमस्कार दोस्तों, मुखावरण थिएटर ग्रुप की ओर से मैं साहिल आहूजा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पहुंच गए हैं हिंदी भवन के बाहर एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अब तक 25 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। ये आपके और मेरी तरह बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान है और अपनी इस ऑर्डिनरी लाइफ के चलते उन्होंने कई नाटक तक लिख दिए। ये सभी नाटक, ये सभी किताबें किसी भी थिएटर एंथुजियास्टिक के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो आइए ले चलते हैं आपको रूबरू करवाने श्री लक्ष्मण राव जी से। लक्ष्मण राव जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से कि जो ये लक्ष्मण राव पर्सनालिटी हैं आज, वो बचपन में किस तरह के थे और उनका फैमिली बैकग्राउंड जो था वो किस तरह का था। दरअसल हम तो गरीब परिवार से थे और मैं गांव में रहता था। जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था तब मैं गुलशन नंदा जी के हिंदी के उपन्यास पढ़ता था और वहाँ से मुझे भाषा पर हिंदी भाषा सीखने के लिए और गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़कर ऐसे कथानक मेरे दिमाग में आते थे कि हमने भी इस तरह से लिखना चाहिए। तो तब 7वीं 8वीं कक्षा में था तब मेरे गाँव का एक लड़का था रामदास, वो पानी में डूबकर मर गया और उस पर मैंने पहला उपन्यास लिखा और मेरी जिज्ञासा यही रही कि मैं भविष्य में एक दिन लेखक बनूंगा। तो वहाँ से मैं अमरावती शहर आया, वहाँ 8वीं के बाद 10वीं पास की, फिर मैं एक मिल में काम करता रहा, 5 वर्ष काम किया और 1975 में वो मिल बंद हो गया। तो फिर मैं भोपाल आया, भोपाल में मेरे 40 रुपये थे मेरे पास, वो भोपाल में ख़त्म हो गए। फिर मैंने वहाँ एक भवन पर मजदूरी की, फिर मैं वहाँ से पैसे बना के 90 रुपये बनाए, फिर मैं दिल्ली आया और यहाँ आकर मैं अपना सपना बनाने लगा। यहाँ आकर भी मुझे ऐसा कोई काम मिल नहीं रहा था, लेकिन मैंने ढाबों पे बर्तन साफ किए, भवनों पे मजदूरी की और इसी तरह से ITO के पास विष्णु दिगंबर मार्ग पर एक पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर पान बीड़ी सिगरेट बेचने लगा। 15-20 वर्ष मैं पान बीड़ी सिगरेट ही बेचता रहा और मेरे पास 2 उपन्यास थे, एक तो रामदास तारीख और लिखा था मैंने नई दुनिया की नई कहानी, और ये 2 उपन्यास को लेकर मैं प्रकाशक के पास गया तो एक प्रकाशक ने मुझे गेट आउट कहा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये मैंने स्वयं ही करना चाहिए, तो मैंने 5-6 हज़ार रुपये इकट्ठा किए और मैंने पहला उपन्यास नई दुनिया की नई कहानी प्रकाशित किया। तो इस तरह से मेरा ये सिलसिला जारी रहा और पुस्तकें लिखना, छापना और बेच के भी दिखाना ये ज़्यादा ज़रूरी था और यही अनुभव मेरा था। इस तरह से मैं आज से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने 25 पुस्तकें लिखी है और लोग मुझे पूछते थे बड़ी जोर क्वालिफिकेशन, तो मुझे लगता था कि पढ़ना भी चाहिए। तो मैं 10वीं पास होके आया था लेकिन 37 साल की उम्र में मैंने 12वीं पास की CBSE से, 50 साल की उम्र में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया और 63 साल की उम्र में मैंने इग्नू से हिंदी में MA किया। इस तरह से मेरी शिक्षा रही है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा MBA करके बैंक में नौकरी करते हैं, दूसरे बेटे अकाउंट्स का काम करते हैं और मैं निर्माण विहार के पास शकरपुर में ही रेंटेड हाउस है मेरा, 15,000 रुपये महीने का, वहाँ मैं रहता हूँ। और यहाँ पर मुझे लोग बहुत से पूछते हैं कि सब इतना सब कुछ होने के बाद आप चाय क्यों बेचते हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं घर में ही लिखने पढ़ने का काम करता हूँ 2-3 बजे तक और 2-3 बजे के बाद मैं यहाँ आकर लोगों को मिलने के लिए आता हूँ। तो मेरी जो चाय की दुकान है, जब पान बीड़ी सिगरेट पर प्रतिबंध हो रहा था तो मैंने 1995-96 में पान बीड़ी सिगरेट बंद करके चाय बेचना आरम्भ किया और तब से मैं अब तक चाय बेच रहा हूँ और ये मेरा एक रोज़गार भी है और मुझे यह बैठना ज़रूरी है, इसलिए मैं यह काम कर रहा हूँ और ये मेरी ये पहचान भी बनी हुई है। पर मेरी पुस्तकें फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी बिकती है, जगह जगह बिकती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी बिकती है। इस तरह से मेरा साहित्य साधना आगे बढ़ती जा रही है और मैं, लोग कहते हैं कि एक चाय वाला होते हुए भी देखो इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये मेरी जिज्ञासा थी, मैंने करना था। और आज की पीढ़ी को, आज के नवयुवकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों, असंभव ऐसा कुछ नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ देखिए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, असंभव ऐसा कुछ नहीं है, आगे बढ़िए और आप करते रहिए। तो जैसे मैंने ये देख, आपने खुद बताया कि आपकी ये चाय का जो आपने अड्डा बनाया है ये जस्ट कि आप आते हैं लोगों से इंटरेक्ट करने यहाँ पर, तो बहुत बड़े बड़े, अभी मैंने कुछ देर पहले देखा कि बहुत बड़े नेता भी आए थे आपसे चाय पीने के लिए, फिर कुछ थिएटर पर्सनालिटीज भी यहाँ से गुजरती रहती है, पास में हिंदी भवन है तो यहाँ पे भी बहुत सारे थिएटर के लोग आते हैं जो आपको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो ये नाटक हैं एक तरह से स्रोत हैं ये उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाटक जो है रामदास है, मेरे ये उपन्यास पर, रामदास उपन्यास पर आधारित है जो अध्यापक ये मैंने लिखा है जी। और नाटक का मुझे बहुत अनुभव रहा और नाटक ये विधा बहुत सुदृढ़ विधा है क्योंकि अगर कालिदास की पहचान हुई है या शेक्सपियर की पहचान हुई तो नाटकों से हुई है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है
तो मुझे अपने उपन्यासों पर नाटक करना चाहिए, भला ये फिल्मों में ना जाए। फिल्मों में जाने से साहित्य मर जाता है, पर नाटकों में वो एक रंगमंच पर जाने के बाद एक कथा वस्तु निर्माण हो जाती है। इसलिए अब मैं अपने अध्यापक, ये नाटक 240 कलाकारों का एक समूह तैयार हो रहा है मेरा, उसके आधार पर मैं नाटक तैयार करूँगा। और इसके पहले भी रामदास हो चुका श्री राम सेंटर में, पैरेलाल भवन में, हैबिटेट सेंटर में, लेकिन तब मैंने देखा कि ये पैसे की कमी की वजह से या कलाकार अच्छे नहीं होने की वजह से जिस पृष्ठभूमि को आप तैयार करना चाहते वो नहीं हो पा रही, इसलिए मुझे थोड़ा सा और वेट करना पड़ा। लेकिन अब वो स्थिति तैयार हो गई है और हो सकता है कि आने वाले शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में फिर ये नाटक बहुत अच्छी भूमिका में तैयार होगा। तो जैसे आपने बताया कि 240 थिएटर आर्टिस्ट कलाकार जो हैं आप उनको हायर कर रहे हैं, और क्या वो हायर करने का मतलब हम एक प्रतिष्ठा के रूप में उनको बुलाकर अच्छा और नाटक तैयार कर रहे हैं, उनकी योग्यता, उनका सम्मान वगैरह वगैरह। तो वो नाटक आप खुद ही डायरेक्ट करेंगे? डायरेक्टर भी हम मंगवाएंगे 3-4 जिन्हें अनुभव हो। जी, हम एक मान्यता प्राप्त एक निर्देशन ऊपर के होंगे जो सबको संभालते चलेंगे। जी, और हालांकि कुछ कलाकार पैसे देने को तैयार है कि हमें लीजिए, हम पैसे देने को तैयार हैं, तो ऐसे कलाकारों की हमें जरूरत थी और ऐसे कलाकार हमें मिल रहे, तो हमारा नाटक सफल हो गया। हम टिकट के ऊपर प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि हमें टिकट बिकेगी तो हम हमारी सफलता होगी, बस यही है कि इस विधा को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। कलाकार अगर आपको, नाटक के कलाकार अगर चाहिए, तो जैसे पहले मैंने बताया कि या तो पैसे देकर बुलाए जाते हैं, या फिर आप उनको पैसे देके बुलाओ, नहीं तो कुछ वैसे भी आ जाते हैं, लेकिन हम उस बात को मान्यता देते हैं कि उनसे पैसे लो और उन्हें नाटक दो, क्योंकि जो पैसे देंगे वही काम करेंगे, वैसे को काम नहीं करेंगे। और ये ऐसा है कि जो मतलब मंच पर बहुत अच्छा कलाकार बन जाता है तो वो धोखा देना चालू कर देता है, तो हमने ये अनुभव लिया 10-15 सालों में, तो हमने ऐसी एक फ्रेम तैयार कर लिए कि हमने लड़के कैसे मंगवाने हैं, उनसे कितने पैसे लेने हैं, हमने एक ग्रुप बनाया है प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के कलाकार, तृतीय श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के कलाकार से 1 लाख रुपये देने हैं, द्वितीय श्रेणी कलाकार से 70,000 रुपये देने हैं, तृतीय से हमने 50,000 देने हैं, और उनको उस प्रकार से काम देना है और उनसे काम लेना है, और 2 महीने रिहर्सल करनी होगी, करवानी है जी। जिसमें जैसे आपने बताया कि 240 कलाकार इसमें होंगे, तो सवाल ये है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे नाटक होते हैं जो 8 या 10 कलाकार स्टेज पर ही ठीक से नहीं कर पाते। जी जी, तो 240 कलाकार अब किस तरह से क्या है, इसमें क्या है कि कलाकार सिर्फ 40 ही रहेंगे। अच्छा, ये नाटक जो हो रहा है 40 कलाकारों को धारा हो रहा है, लेकिन वो टीम 120 कलाकारों की होगी। अच्छा, अगर उन 40 कलाकारों में कोई उपस्थित नहीं हो रहा है या कोई रिहर्सल नहीं कर रहा है, अच्छा, कोई टाइम पे नहीं आ रहा, तो उसको हटा के दूसरे टीम में जाओ, दूसरे 40 है उनमें से लिया जाएगा। अच्छा, और हमने इसके लिए एक दो टीम हमने 120 कलाकार की इसलिए टीम बनाई हुई है कि हमने 2 शो करने हैं, एक मैटिनी शो 3 बजे से 5 तक और उसी दिन 7 बजे से 9 बजे तक। अच्छा, तो एक टीम 120 कलाकारों की जो होगी और सबको 4-4 शो देने हैं, 12 शो करने हैं। अच्छा, एक टीम 4 शो करेगी, दूसरी टीम 4 शो करेगी, तीसरी टीम 4 शो करेगी, 4 ही शो मिलेंगे, लेकिन इन उपस्थिति में वो नहीं है तो दूसरे कलाकार को लिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें वो भी चांस मिलेगी, उस 12 हमने 12 दिन नाटक करने के बाद आगे भी हम नाटक करेंगे, जैसे यहाँ से नागपुर ले जाएंगे, भोपाल ले जाएंगे, लखनऊ ले जाएंगे और पटना ले जाएंगे, वहाँ पर भी नाटक करें, तो उसके बाद तो उन्हें रॉयल्टी दी जाएगी, उन्हें परिश्रम दिया जाएगा कि जब एक बार नाटक की फ्रेम अच्छी ढंग से तैयार हो गई है तो नाटक आगे बढ़ेगा। और हमें ये पता है कि सबसे पहली बात नाटक में ये होता है कि स्टोरी क्या है, और ये रामदास की जो स्टोरी है वो वास्तव में एक पढ़े लिखे लोगों के लिए है और सामाजिक दृष्टिकोण है और युवाओं के लिए है, इसलिए ये नाटक हमने जहाँ भी जब भी किया तो अच्छे अच्छे लोग नाटक देखने आए थे। और इसमें जो अध्यापक का रोल है, तो हमने आंखों से ये देखा है कि नाटक समाप्त होने के बाद दर्शक से, दीर्घा से लोग आ रहे हैं और अध्यापक के पैर छू रहे हैं, कि कहने का मतलब ऐसा अध्यापक आज नहीं है जो उस नाटक में उन्होंने देखा। ये उस अध्यापक की भूमिका है और इस अध्यापक के भूमिका के आधार पर हम इस नाटक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है। तो आपने जिस तरह से बताया कि आपकी 3 टीम्स रहेंगी, 40-40 के कलाकारों की, 3 टीम, हाँ, तो ये एक बहुत सोची समझी एक अप्रोच है जो शायद आपको एक्सपीरियंस से मिली है। जी हाँ, आपके अपने अनुभव से मिली है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप इलाबोरेट कीजिए कि ये किस तरह से आपके माइंड में आइडिया है कि एक ऐसा नाटक लिखा जाए जिसमें इतनी बड़ी टीम हो और इतना जैसे ये जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर बहुत सारे सभागार है या बहुत सारे रिहर्सल सेंटर है, तो पहले नाटक की रिहर्सल यहीं होती थी और मेरे पास चाय पीने आते थे तो उनकी मैं बातें सुनता था,
तो डायरेक्टर साहब यहाँ खड़े खड़े फ़ोन कर रहे, भाई तू कहाँ है, अभी आ ही नहीं है, तेरे वजह से रिहर्सल रुकी हुई है। तो सर मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, और 1 घंटा वो आ ही नहीं रहा है। तो फिर वो चर्चा होती कि देखो लड़का अगर समझदार बन गया था वो धोखा देता है। वो ऐसी बातें सुनकर हमारे दिमाग में आता था कि नहीं, उस लड़के के दूसरा भी सब्स्टिट्यूट रखो, हटाओ उसको, दूसरे को ले आओ। तो इसलिए हमने 40 की जगह 40 और 40 नाटक सबने चार चार ही करने, 12 दिन करने, चार चार नाटक करने। और जो धोखा देता तो उसे पता है मेरा नंबर कट जाएगा, वो भी अच्छा काम करेगा, और दूसरा जो वेटिंग में है वो भी अच्छा काम करेगा। तो 40-40 की टीम रखिए आप, और सबको काम दो, जिसको जो काम दिया है उससे वही काम करवाओ। और पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, साहित्य का ज्ञान हो, भाषा पर कमांड हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो। और साथ साथ मैं सभी नाटक कलाकारों को ये भी बताना चाहता हूँ कि बच्चों, आपकी अपनी आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वहाँ से आना है, सर मैं आ नहीं सकता हूँ टाइम पे, नहीं। पैसा ये बहुत महत्व का है, अगर आप आरंभ में पैसा खर्च करोगे यही पैसा बाद में काम आएगा। तीसरी बात ये भी है, नाटक करने वाले बच्चे बम्बई की तरफ देखते हैं कि मुझे कलाकार बनना जाना है, मुझे देवानंद बनना जाना है, तो देवानंद वहाँ बन सकते, यहाँ नहीं बन सकते। थिएटर कलाकार फिल्मों से भी ज़्यादा महत्व का है, ये बच्चे नहीं समझ पा रहे। इसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो उन्होंने लिटरेचर पढ़ा, ना तो उनके पास डिग्री है। एक वो सोचते हैं रेमंड और ईमेल के कपड़े पहन लिए तो मैं एक्टर बन गया, ऐसा नहीं है। बड़ी बार का ही है इसमें, और वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम गांव से थैले में कपड़े डाल के दिल्ली चले और वहाँ नाटक करें और मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ, ऐसा नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कहाँ बैठा हूँ, एक सोचने वाली बात, क्योंकि ये अनुभव मुझे आज भी मिल रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे कैरेक्टर दिखाई देते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि कोई महिला अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेके जा रही है, वो एक भारत देश का चित्र है। पता नहीं उनके पास भोजन है या नहीं है, बच्चे की भी पैरों में चप्पल नहीं है। ये चित्र कहाँ दिखाई देगा, ये नाटक में दिखने दिखाने वाला है। मैं कहता हूँ इस तरह चित्र को दिखाओ, उस तड़क भड़क को मत दिखाओ जो 5 स्टार में होती है, और नाटक वही है जो आप अस्तित्व को दिखाओगे। तो ये जो हमने इतने नाटक लिखे, मैंने 5-6 नाटक लिखे हैं, और महाभारत पर भी लिखा है, इंदिरा गांधी पर भी लिखा है। ये नाटक मैंने अपने इंदिरा गांधी भी मिल चुका हूँ मैं, 27 मई 1984 को मैं मिल चुका हूँ उनको, और उनको मैंने कहा भी था कि मैं आपके जीवन पर मैं लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे जीवन के बारे में मत लिखिए, बहुत लिखा है लोगों ने, हम लोग क्या करते वो लिखिए। तब मैंने उनके भाषणों का संकलन लाकर पढ़ा, अध्ययन किया और उनके उस पर विश्लेषण करके लिखा है। ऐसे सारे शोध ग्रंथ मैंने तैयार किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बड़े बड़े लोगों से वो भी गाइड या प्रेरणा मिलती है कि वो हमें अच्छी प्रेरणा देते हैं, अच्छी भाषा सिखाते हैं, अच्छा चलना सिखाते हैं। तो ये कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है। कलाकार अपने आप में एक मजबूत व्यक्ति होता है, लेकिन वो स्वयं को भूल जाता है। जी, तो आप जब ये नाटक लिखते हैं तो इनके कैरेक्टर किस तरह से आपके दिमाग में आते हैं, कैसे आप डिज़ाइन करते हैं? जैसे कैरेक्टर, जैसे रामदास है उपन्यास में, मैंने उपन्यास पर ही लिखे सारे नाटक। अच्छा। या महाभारत एक मैंने उपन्यास पढ़ा था, उस पर मैंने लिखा हुआ है, और महाभारत पर मैंने वो लिखा है कि महाभारत के बाद क्या है। जो महाभारत है वो तो है ही, लेकिन महाभारत में क्या है कि कृष्ण को जो पांडव, उसके पांडव जो भाई होते हैं, वो ये पूछते हैं कि हमसे तो युद्ध उनसे करवाया, और दुर्योधन से युद्ध करवाया, या आपने जो कर्ण है उनसे युद्ध करवाया, और जब कर्ण की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो उनको आपने कंधे पर ले जाकर चिता में डाला, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। तो ये महाभारत के बाद का सीन है, ये महाभारत के पहले की बात नहीं। इसके बाद हमने उस नाटक को वहाँ हमने बताया कि असली में नाटक क्या है, या असली में महाभारत क्या है, वह नाटक के माध्यम से सिखाया कि द्रौपदी क्या थी। अगर कर्ण को ये पता होता कि ये शूद्र जाति का नहीं है, तो हो सकता है द्रौपदी कर्ण की होती, बहुत सारी बातें हैं। तो ये चीज़ें जो है, आप उसको तय तक समझने का प्रयास करोगे तो वो लिखा जाएगा, और कल्पना करोगे तो नहीं लिखा जाएगा। तो इसी तरह से मैंने रामदास पर लिखा, महाभारत पे लिखा, इंदिरा गांधी पे लिखा, और सामाजिक अपने नर्मदा पे लिखा, और मैं लिखता जा रहा हूँ। और ये अब इसको मंचित करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मंचित करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मंचन करूँगा। तो आप रेगुलर थिएटर देखते भी हैं? अब मैंने बहुत नाटक देखे है, महाराष्ट्र में रहता था मैं, तब अमरावती में था, तब भी बहुत नाटक थे। मैंने श्रीराम लागू को आंखों से देखा है, आपके मतलब नाटक करते हुए मंच पर देखा है। और उस समय एक टीम थी, पति पत्नी थे, रमेश देव और सीमा देव, बहुत बड़े नाटककार थे उस टाइम,
उनको भी मैंने देखा है। अच्छे अच्छे वो उस समय वसंत कनेक्ट करके जो नाटक होते थे वो बड़े उच्च दर्जे के होते थे, जैसे कि इतिहास पर लिखे हुए, तो उनके नाटकों को मैंने बहुत देखा है। हाँ, तो जब आप ऑडियंस में बैठे हैं और आप नाटक देख रहे हैं एज राइटर, तो आप किस तरह से उन एक्टर्स को देखते हैं, मतलब आपकी एक अलग व्यू चलता होगा दिमाग में। तो आप किस तरह से नाटक को देखते हैं, ऑब्जर्व एज एन ऑडियंस, आपको क्या चाहिए बीइंग अ राइटर, जब आप बैठते हैं ऑडियंस में जी, तो जी, जी, जी। को क्या एक्सपेक्टेशन होती है उस नाटक तो से? सबसे बड़ी बात ये होती है मुझे कि जो एक्टर लगता है कि काम करने वाला लड़का है लेकिन इसकी रिहर्सल नहीं हुई है और ये जो डायलॉग बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहा ढंग से। तीसरी बात भाषा की त्रुटि है, क्योंकि हम हिंदी बोल रहे थे, हिंदी में लेकिन ही लेकिन आ रहा है, किंतु परंतु कभी नहीं आ रहा है और अंग्रेजी शब्द आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाषा पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, डायलॉग में कमांड होना चाहिए, क्योंकि अगर डायलॉग मजबूत हो तो वो सुनने में आते हैं। जैसे अब मतलब जैसे आपने मुगले आजम को सुना होगा कि मुगले आजम में दिलीप कुमार साहब ने जो डायलॉग बोले हैं वो ऐसा लगता है कि नाटक कर रहे हैं, मतलब नाटक, अगर वही डायलॉग नाटक में बोलते तो पता नहीं कितने सुंदर लगते हैं जो फिल्मों में बोले हैं वो। तो नाटकों में जो बोलने वाले डायलॉग होते हैं वो ज्वलन दिखाई देते हैं, सामने सामने फेस टू फेस दिखाई देते हैं, फिल्मों की बात नहीं है, वो पर्दे में सब कुछ होता है। पर आप जो डायलॉग बोलोगे या संवाद बोलोगे आपके मंच पर, उसकी हिम्मत बहुत ज़बरदस्त होती है और वो मैं प्रस्तुत उनकी जो प्रस्तुति होती है वो देखता रहता हूँ, ये लड़का यहाँ गलत कर रहा, वो लड़का गलत कर रहा। ऐसे एक बार मैं रामकली नाटक देख रहा था, उसमें एक सीन ऐसा है कि फांसी लगानी होती है उसको, और वो लड़के ने जो बैक स्टेज के जो बच्चे होते हैं उन्होंने उसका जो फांसी लगाने के लिए जो बेंच रखा जाता है वो थोड़ा सा दूर रखा और वो फंदा अलग था, लेकिन कलाकार देखो कितना मज़ेदार था, उसने जजमेंट लगा लिया उसका कि फंदा ऊपर है बेंच यहाँ पर है, वो कभी फंदे की तरफ देखता, हालांकि वो सीन नहीं था, सीन यही था कि जैसे आता है वो बेंच भी चढ़ता और फांसी लगाता है, लेकिन अब बेंच साइड में रखा है और वो फंदा इधर लगा है, तो कलाकार ने जजमेंट को ले लिया साथ में और दिमाग लगाया, तो कभी फंदे के तरफ देखता कभी बेंच के तरफ देखता, उसने एकदम नहीं उठाया बेंच, उठा के यहाँ नहीं रखा, धीरे धीरे रखा और धीरे उसको बिल्डअप करने की कोशिश की, इतने में तालियां पड़ने लगी दर्शकों की, मतलब ये चाहता भी नहीं है आत्महत्या करना और चाहता भी है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके जैसे जोर जोर से तालियां पड़ने लगी दर्शकों से, वो गॉड गिफ्ट थी तालियों की, वो तालियां नहीं पड़नी थी, लेकिन उसने जो सिचुएशन बनाई है बेंच रखने की और उसके बाद उसने जो फंदा लगाया तो और तालियां पड़ने लगी। तो ये कलाकार की भूमिका होती है कि अगर कई गलतियां होती है तो उसको कैसे सुधारा जाए। तो आपकी किताबों में मैंने देखा कि आप अपने अनुभवों को एंड में पेश करते हैं, जैसे कि अभी आपने गलतियां भी नाटक बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए कि आप ये किस तरह से, अगेन ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया, ये गलतियां नाटक बन जाती है, कभी कभी आपने हाथ ऊपर किया वो नाटक है, आपने गलती से हाथ किया, जैसे मैंने आपको रामदास को, रामदास के बारे में बताया था कि उस रामदास नाटक में हीरो और हीरोइन एक दूसरे को भी हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन हुआ यह था कि एक बार नाटक हो रहा था तो उसने क्या किया, लड़के ने उसको आगे बढ़ा दिया, मतलब उसके कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ा दिया, तो मैंने कहा बेटा ये नहीं करना चाहिए था, आपने हाथ क्यों लगाया, कहता नहीं सर मैंने कहा था कि थोड़ी सी आगे हो जाओ, मैंने कहा ये तुम मुँह से कह सकते थे, उसको हाथ क्यों लगाया आपने, इस नाटक का थीम तो यही है कि उस लड़की को आपने हाथ ही नहीं लगाना। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी नाटक भी बन जाती है, उसका परिणाम भी गलत निकल आता है, जैसे कि हमारे रामदास में अध्यापक के नाटक में कि 1963 की कहानी, उस समय तो पॉलिथीन नहीं था, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं था, तो डायरेक्टर ने उसको, रामदास मर जाता है और उसके कपड़े पुलिस स्टेशन में होते पोस्टमार्टम होने के बाद, तो वो कपड़े पॉलिथीन में रखे, तो मैंने कहा भाई इसको पॉलिथीन में मत रखना, पहले रखे, पहले शो में हो गया हो, मैंने कहा इसको पॉलिथीन में क्यों रखा, इसमें कपड़े में रखते, चाहे लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा, क्योंकि उस टाइम पॉलिथीन नहीं था, उनके भी ध्यान में आ गया, नहीं बिल्कुल ठीक करे, अब दोबारा हम इसको गलती को सुधार लेंगे, तो दूसरे दिन उन्होंने कपड़े में कपड़े लिया और वो कपड़े भूल गया लड़का। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर काम को ध्यान रखना, आपने अपने मंच पर क्या प्रस्तुत करना है वो भी लिख के लाना है, आपने बिल्कुल एक लाइन होती है आपकी, आउटलाइन होती है, वो सारी आउटलाइन आपने लिख के आना था कि कौन से कब क्या करना है, उस समय माची चाहिए क्या, उस समय दिया चाहिए क्या, उस समय जूते को पॉलिश लगाना चाहिए क्या, बिंग ढंग से लगाना होने तो गिर जाएगा तो नाटक की बेइज्जती हो जाएगी,
तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जब आ जाती है सामने, छोटी छोटी गलतियाँ जब सामने आ जाती है, या तो नाटक फेल हो जाता है या फिर उसको दुरुस्त करने वाला होता है तो वो सफल हो जाता है। तो मेरा अगला सवाल रहेगा कि आपने प्रैक्टिकली बहुत कुछ लिखा है अपनी कहानी में, तो ये कहाँ से एग्जैक्टली आप लेकर आते हैं? बहुत सी चीज़ें अनुभव से होती है, और मुझे यहाँ इतने सालों से मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसका भी मुझे बहुत अनुभव है कि लोग सड़क से जा रहे तो कैसे कैसे जा रहे हैं, तो वो यथार्थ होता है। वो कोई नाटक करने नहीं जा रहे, किसी के पैरों में चप्पल नहीं है तो किसी के कपड़े फटे हुए हैं, वो क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि इसी यथार्थ को हमने नाटकीय ढंग से रूपांतर करके उसमें डालना है, वही नाटक बन जाता है। नाटक कोई बनावटी नहीं होता है, नाटक की प्रस्तुति कहाँ है? वसंत कानेटकर ने ये कहा है कि तुम शिवाजी का नाटक करोगे तो औरंगजेब को कभी कमज़ोर मत बताना। नाटक में विलन का रोल हीरो से भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, और हकीकत में ये प्रमाण है शोले का कि कितने आदमी कहने वाला मान बन गया और जो हीरो थे वो उसके पीछे रह गए। तो यही खलनायक को मजबूत बनाओ। अगर फिल्म भी चलती है तो कभी कभी किसी खलनायक से चलती है, या नाटक भी चलता है तो खलनायक मजबूत होना चाहिए और उससे वो उभर कर आता है। तो ये सारे पहलुओं को नाटककार ने समझना चाहिए। इसके लिए नाटककार, इसीलिए हमने बार बार कहते हैं नाटककार हो चाहे साहित्यकार हो, उसका जन्म ही 50 साल के बाद है और उसकी ज़िंदगी उसके मरने के बाद है। जब तक उसे अनुभव नहीं है वो नहीं कर पाता है। आपके अनुभव कितने लिख डालो, हमने अपने अनुभव लिख डाले, आगे आने वाले भविष्य इसे पढ़ेंगे और आगे वैसा ही काम करेंगे। तो ये अनुभव ज़्यादा ज़रूरी है। नाटक तो हो रहा है, लेकिन हम अब परिस्थिति यह है कि आज के नाटकों में दीर्घ संख्या नहीं है, दीर्घों में मतलब दर्शक नहीं है, इसको कैसे बढ़ाए? तो आप ऐसी प्रतिष्ठा तैयार करें नाटकों के प्रति कि लोग दौड़ के आए नाटक देखने। ये महाराष्ट्र के मराठी भाषा में होता है या बंगाल के बंगाली भाषा में होता है, पर यहाँ नहीं होता है, या हिंदी भाषा में नहीं हो पा रहा। अंग्रेजी भाषा के लोग नहीं जाते, अंग्रेजी भाषा के लोग इतने नहीं जाते अंग्रेजी नाटक देखने के लिए, क्योंकि वो दर्शक है ही नहीं। क्योंकि अगर किसी कलाकार को अच्छी अंग्रेजी आ रही तो सुनने वाला भी तो इतना अच्छा होना चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? तो हम इस बात पर कभी आश्रित ना रहे कि भाई हम अंग्रेजी करेंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे। नहीं, दिखावे के लिए तो 5 लाख अखबार रोज बिकते हैं, पढ़ता कौन है? समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ को नहीं रहा, लेकिन हिंदी भाषा तो सारे पढ़ रहे हैं जी। हाँ, आपने लगभग 25 किताबें अभी तक लिखी हैं, तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपका कौन सा किरदार रहा? मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सभी किताबें हैं, पर रामदास बहुत बिका, दंश बहुत बिका, और उस पर ये नाटक है, नाटक भी बिक रहे हैं हम, और नाटक मंचित करने के लिए कई बार लोगों के ऑफर भी आए कि भी हम मंचित करना चाहते हैं, तो हमने कहा नहीं, क्योंकि उसी शैली में करोगे उतने विस्तार से करोगे, हमने अलग ढंग से करना है, तो पहले हमें करके देखने दो हम कहाँ तक सफल होते। ये नहीं कहना चाहते कि हम भी सफलता प्राप्त करेंगे, हो सकता है सक्सेस ना हो, लेकिन हमारा जो प्रयास है उस प्रयास के माध्यम से हम करेंगे उसे। तो कहने का मतलब हमारी जो पुस्तकें वो बिक रही है, और सबसे ज़्यादा तो कंपनियाँ बेच रही है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, वहाँ से ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, और पूरे भारत भर में बिक रही है, मतलब जगह जगह, यहाँ से दक्षिण भारत से भी हमारे पुस्तकों के ऑर्डर आते हैं, और तो जा रही किताबें। आप अपना बिजनेस भी करते हैं, अपने बुक्स भी लिखते हैं, और अपनी फैमिली भी टाइम देते हैं, जी, तो आपको एक्चुअली लिखने का टाइम मिलता कब है? मतलब आप पूरा दिन यहाँ होते हैं? नहीं, मैं घर में सवेरे रात, हमेशा ही कभी भी ध्यान रखिए रात सोने के लिए होती है। अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो कोशिश करो कि कुछ पढ़ पढ़ के आँखों में बोझिलता आ जाए तो नींद आ जाएगी, लेकिन नींद आई तो सो जाओ, और रात सोने की होती है, और जितनी नींद रात को लोगे उतनी दिन में नहीं हो सकती है, और रात को नींद अगर पूरी हो जाती है दिन फ्रेश रहेगा, इसलिए हम रात को नींद लेते हैं 1 बजे के बाद या 12-1 बजे के बाद सो जाते हैं, सवेरे 7 बजे उठते हैं, हाथ मुँह धोकर चाय पीकर अपने लिखने पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो 12 बजे तक 1 बजे तक लिखने पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ 2:30-3 बजे आते हैं, यहाँ भी इसलिए आते हैं कि सवेरे से फ़ोन आते रहते हैं कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, हमें ये करना है, वीडियो लगाना है, या किताबें खरीदनी है, या हमारी भी अपनी किताब छापनी है, तो लोग आते रहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, इसलिए यहाँ मुझे आना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि ये गूगल में भी मैंने सिंपली टाइप किया जी लक्ष्मण राव, तो ITO, और उन्होंने मुझे सीधा यहाँ पहुँच गया मैं। वाह भाई, तो आप GPS भी लगाओगे? जी GPS में लक्ष्मण राव लगाओगे तो आप मेरे पास पहुँच जाओगे। जी, स्ट्रेट लोकेशन है। वाह भाई वाह, धन्यवाद। तो आपके आपको सम्मानित भी किया गया श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो हमारी एक्स प्रेसिडेंट रही। जी। तो उस वक्त आपकी कैसी फीलिंग थी? कुछ मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ मुझे बुलाया जाएगा,
इतने बड़े दरबार में अब मुझ जैसे गरीब आदमी को बुलाया जाएगा, लेकिन बड़ा वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वो भाग्य की बात नहीं, सौभाग्य की बात है कि मुझे परिवार के साथ बुलाया, 22 मिनट मेरे साथ बातचीत की, मेरी पुस्तकें उन्होंने देखी और बहुत अच्छा काम कर रहे हो देश के लिए, इतना एक राष्ट्रपति द्वारा कहना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात। और ये मेरे लिए नहीं, हम सब युवाओं के लिए, जितने भी आने वाले युवा है, और मैं सबको कहता हूँ कि आप प्रतीक्षा भी मत करो, अपेक्षा भी मत करो, वो क्षण आपके भी जीवन में आएगा और असंभव नहीं है। मेरे बारे में देश विदेश के अखबारों में भी छपा हुआ है, लंदन में गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क में, या गल्फ न्यूज़ दुबई में, और भी वाशिंगटन टाइम्स वगैरह वगैरह, वहाँ से मैसेज आते हैं मेरे पास कि हमने इसमें पढ़ा है, फ़ोटो भेजते हैं, अखबार की कटिंग भेजते हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धियाँ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इतना सब कुछ होने के बाद एक आधा मतलब हम अहंकार में आए तो कोई फायदा नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम लाल किले की तरह बैठे हैं यहाँ पर, लाल किले की भी लोग फोटो लेते हैं और हमारे भी ले रहे हैं फोटो, तो बड़ी अच्छी बात है कि लाल किला भी अपने आप को भूलता नहीं, तो हम भी अपने आप को भूलेंगे नहीं। जी, जी।